आज हम बात करेंगे PGDCA सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत एक सब्जेक्ट है IT ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी। तो ये बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, तो किस प्रकार का इसका सिलेबस होगा, कैसे उस सिलेबस के अनुसार इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे और उन क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे, सब कुछ आज के इस वीडियो में हम आपको बतलाने वाले हैं। तो जैसा कि हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं या जो हमारे वीडियोस देखते हैं, वो लगातार पूछ रहे थे कि नए सिलेबस के अनुसार जो है वो नोट्स कब आएंगे। तो नए सिलेबस के अनुसार अभी एक सब्जेक्ट का जो है वो नोट्स तैयार हो चुका है, जिसकी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से जाकर के आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद जो भी DCA सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं और PGDCA सेकेंड सेमेस्टर के बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं, वो भी जल्द ही हम अपलोड करेंगे। तो आज आप पहले इस सब्जेक्ट को देख लीजिए कि क्या है IT ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, जो कि PGDCA सेकेंड सेमेस्टर का एक नया सब्जेक्ट है। तो यदि आप माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य विश्वविद्यालय से DCA PGDCA कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, तो ये नोट्स आपके लिए बहुत उपयोगी है। यहाँ पर आपको नवीन सिलेबस के अनुसार परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न तथा उत्तर मिलेंगे। तो ये रहा DCA सेकेंड सेमेस्टर का IT ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी का सिलेबस, जिसके अंतर्गत पहली यूनिट में ई गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ नए टॉपिक्स भी इस बार कवर किए गए हैं, जैसे कि जो ई गवर्नेंस के अंतर्गत उमंग ऐप क्या होता है, डिजिटल लॉकर क्या होता है, ये सारी चीज़ें अभी हम आपको पूरा डिटेल में भी बतलाते हैं कि इन सब चीज़ों का आंसर किस प्रकार से लिखना होगा। इसी प्रकार से देखिए, फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत ही जो नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है वो दिया गया है साइबर क्राइम से रिलेटेड। जी हाँ, साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर क्राइम के कौन कौन से प्रकार होते हैं और साइबर क्राइम क्या अटैक किस प्रकार से आपके कंप्यूटर में हो सकता है, उसके बारे में। यूनिट सेकेंड में जब हम आते हैं तो ई कॉमर्स के बारे में है और पेमेंट सिस्टम के बारे में है। उसी प्रकार से जब हम यूनिट थर्ड में आते हैं तो आप देखेंगे वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में दिया गया है, मोबाइल टेक्नोलॉजी के बारे में दिया गया है। यूनिट फोर्थ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, IoT क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, बिग डेटा क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे। यूनिट फिफ्थ में MIS है, ये टोटल सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है इस यूनिट में आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन PGDCA सेकेंड सेमेस्टर के IT ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी में बनेंगे। तो यूनिट फर्स्ट में दिया गया है, देखिए ई गवर्नेंस क्या है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को समझाइए, ई गवर्नमेंट से आप क्या समझते हैं, गवर्नमेंट कैसे अपनी योजनाओं को नागरिकों तक पहुंचाती है, PPP मॉडल क्या है, ई गवर्नेंस की मुख्य विशेष जो वेबसाइट्स हैं वो बतलाइए, ई डेमोक्रेसी क्या है, MP ऑनलाइन सर्विस के बारे में बतलाइए, आधार कार्ड से संबंधित सेवाओं के बारे में बतलाइए। अब ई गवर्नेंस के अंतर्गत जो उमंग ऐप है वो क्या है, उसका उपयोग किस प्रकार से करते हैं, डिजिटल लॉकर को कैसे उपयोग किया जाता है समझाइए, और डिजिटल लाइब्रेरी क्या है। इसी प्रकार से यूनिट में साइबर क्राइम के बारे में बतलाइए। यूनिट सेकेंड में हम देखेंगे ई कॉमर्स के बारे में क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के बारे में, ऑनलाइन शॉपिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग क्या है, ये भी जो है नया टॉपिक इस बार जुड़ा हुआ है। यूनिट थर्ड में हम देखते हैं क्या क्वेश्चन आते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन क्या है, 2G 3G 4G 5G क्या होता है। तो इस बार जो PGDCA सेकेंड वाले हैं उनको इस सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि सारी लेटेस्ट चीज़ें दी गई हैं, बहुत अच्छी जानकारी जो है आपको सिलेबस में मिलेगी। किसी प्रकार से IP टेलीफोनी क्या है, सॉफ्ट फोन क्या है, वॉइस मेल क्या होता है, मोबाइल कंप्यूटिंग क्या होती है, सेलुलर सिस्टम सेल क्या होता है, हैंड ऑफ क्या है, बेस स्टेशन क्या है, तो बहुत अच्छी जानकारी आपको इस सिलेबस के अनुसार जो है वो हो जाएगी। इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं यूनिट फोर्थ के अंतर्गत दिया गया है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद दिया गया एक्सपर्ट सिस्टम के बारे में, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, गूगल प्ले स्टोर क्या है, बहुत जनरल नॉलेज की चीज़ें दी गई हैं, IoT क्या है, बिग डेटा क्या है, और यूनिट फिफ्थ में जब हम आते हैं तो सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन के अंतर्गत MIS क्या है, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, फैक्ट फाइंडिंग प्रोसेस, डेटा एनालिसिस को समझाइए, डेटा डिक्शनरी को समझाइए, डिसीजन ट्री को समझाइए, फॉर्म डिजाइनिंग प्रोसेस को समझाइए। अब चलिए हम इसके आंसर देखते हैं। तो इस तरीके से देखिए, इस जो हमने ये जो नोट्स तैयार किए हुए हैं, अभी एक ही नोट्स तैयार हुए हैं, ठीक है, जैसे ही नेक्स्ट नोट्स तैयार होगा उसके बारे में भी जानकारी आपको हम दे देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें यूनिट फर्स्ट में ई गवर्नेंस के बारे में पूछा गया है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, तो आप
लैंग्वेज भी आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से इसमें लैंग्वेज दी गई है, बहुत ही सरल भाषा में बना हुआ है। आप पढ़ते जाएंगे और आपको बिल्कुल नॉर्मली पूरे सिलेबस का नॉलेज हो जाएगा। तो अब हम इसके बाद आपको थोड़ा सा तेज़ी से स्क्रॉल करके बतलाने जा रहे हैं। आगे के और भी हम वीडियोज़ अपलोड करेंगे जिसमें टॉपिक बाय टॉपिक एक एक टॉपिक आपको जो है वो एक्सप्लेन करके बतलाया जाएगा। अभी मैंने ये वीडियो इसलिए डाला हुआ बनाया हुआ है ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हाँ ये नोट्स जो है वो हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ई गवर्नेंस की वेबसाइट्स के बारे में देखें, सारी चीज़ें दी गई है। ई डेमोक्रेसी से क्या अभिप्राय है, एम पी ऑनलाइन सर्विस के बारे में बतलाइए, ठीक है, आधार कार्ड से संबंधित सेवाओं के बारे में बतलाइए। इसी तरीके से फिर उमंग ऐप में किस तरीके से काम करना है इसके बारे में बतलाइए। तो जितना आपको परीक्षा में लिखना है लगभग पाँचों यूनिट को 72 पेजेस में जो है वो कंप्लीट कर लिया गया है। डिजिटल लॉकर को कैसे उपयोग किया जाता है ये देखिए, डिजिटल लॉकर के बारे में बतलाया गया है। इसी तरीके से डिजिटल लाइब्रेरी क्या होती है, साइबर क्राइम क्या है, टोटल सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं दी गई है। जो सिलेबस में यदि टॉपिक हैं उन्हीं को यहाँ पर आंसर में रखा गया है क्योंकि वही एग्ज़ाम में आता है, यूनिट सेकेंड में आते हैं। तो ई कॉमर्स क्या है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज को समझाइए। इसी प्रकार से यहाँ पर ई कॉमर्स की तकनीक को समझाइए। इसी प्रकार से ई बिजनेस, ई ऑप्शन, इसी भी इसके प्रकार है। ई कॉमर्स के बेनिफिट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्या होता है। तो जो टॉपिक सिलेबस में दिया गया है बिल्कुल उसी में जो है हमने इसे अपने जो इसमें कवर किया। भीम ऐप क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग क्या होती है, कि डिजिटल मार्केटिंग का भी टॉपिक यहाँ पर रखा गया है कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। यूनिट थर्ड में वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में बतलाइए। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने पूरी यूनिट के हर एक टॉपिक को कवर किया है। तो जल्दी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और पीडीएफ को जो है वो डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही कोई भी नेक्स्ट जो है पीडीएफ हम तैयार करते हैं उसकी जानकारी भी हम अब चैनल के माध्यम से आपको देंगे। और अगर आप पीडीएफ नहीं भी खरीद रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि जो भी हमने नोट्स तैयार किए उसके अनुसार हम अब टॉपिक वाइज टॉपिक जो है वो वीडियो अपलोड जरूर करेंगे। और डीसीए सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए भी वीडियो बहुत जल्दी आएगा तो थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा आपको।